Wish to study and settle abroad? With India's most trusted company, more than 3,000 plus visas in the past year. Meet international delegates. Get scholarship up to rupees 40 lakhs. More than 2,000 plus programs to choose from. Awarded number one consultant by Canadian and American institutes. Visit www.landmarkimmigration.com. पुलवामा आतंकी हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पिछले साल भीषण पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को मांग पत्र सौंप कर यह मांग की कि वह शिरोमणि कमेटी को हिदायत जारी कर श्री दरबार साहिब से शब्द कीर्तन के सीधे प्रसारण की एक टीवी चैनल की जगह दुनिया के हर उस टीवी और रेडियो चैनल को छूट प्रदान करें जो कि इसका सीधा प्रसारण करना चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शाकाहारी बनिए, क्योंकि बीफ उद्योग ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा दोषी है। मुंबई में देर रात एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। इसका पता चलते ही दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग में किसी किस्म का जानी नुकसान होने से बचाव हो गया। खतरनाक कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा जानकारी के मुताबिक चीन के हुबई में इस वायरस के चलते हुए 116 और लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में इस वायरस की वजह से होने वाली मृत्यु की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं अकेले चीन में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग इसके संक्रमण में आ चुके हैं। निर्भया मामले में दोषियों को अलग अलग फांसी देने की इजाजत की मांग करने वाली केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चारों गुनहगारों को आज दोपहर तक का समय मांगा ताकि उनकी अर्जी पर सुनवाई की जा सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को गंभीरता से ना लेने की वजह से काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। साथ ही उनके बड़े स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के एक करीबी का कहना है कि सिद्धू व्यस्त होने की वजह से दिल्ली चुनाव प्रचार में नहीं जा पाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार में पंजाब से 40 कांग्रेस नेताओं को बुलाया गया था जिनमें से सिर्फ 20 नेता ही जा पाए थे। भारत से फरार कारोबारी विजय माल्या को बीते दिन लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने पेश किया गया था। कोर्ट के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि वह 100% वापिस पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन भारत जाने के लिए नहीं तैयार। बता दें कि 64 वर्ष के माल्या को भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में वंचित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में पेश किए बजट में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत का मौजूदा आर्थिक माहौल हमारे पूर्व अनुमान से काफी कमजोर है, उसे जल्दी ठीक करना चाहिए। साथ ही वित्तीय सुधार की भी जरूरत है जिसमें मध्य अवधि में राजकोष बढ़ाया जाए। इसके लिए भारत को एक रणनीति के तहत काम करना चाहिए। भारत अमेरिका से एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। पाकिस्तान इसे लेकर काफी परेशान है। बीते दिन उसने वायु रक्षा प्रणाली खरीदे जाने को लेकर कहा कि पहले से अस्थिर क्षेत्र को अस्थिर करेगा। जाहिर है कि भारत अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अमेरिका से यह खरीद रहा है।